किसी का मैं भी कंसर्न सा है। उसके बाद में ये जो मेरे बर्थडे के इतने गिफ्ट आए थे मुझे, तो मैं इसका वीडियो ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं बस टाइम ही नहीं था, इतनी बिजी थी। मोस्टली मैं घर में ही बहुत कम रही थी तो मैं वीडियो कहाँ बनाऊँगी, है ना। तो कोई मेरे घर में भी आता तो मैं जल्दी मिल नहीं पाती हूँ। और ये जो मेरे बर्थडे में जितने लोग मैंने गिफ्ट दिए थे मुझे, और भी गिफ्ट है किधर किधर रखी वो भी नहीं पता अभी, मिला वो गिफ्ट का वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये जितना भी मेरा गिफ्ट आया है ये मैं बनाऊंगी, मेरे YouTube चैनल पे पूरा डालूंगी किसने क्या गिफ्ट दिया है क्या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे देखना, क्योंकि सबके अलग अलग मैं वीडियो बना के आईडी नहीं डाल सकती हूँ। तो YouTube चैनल पे पूरा गिफ्ट किसने दिया है क्या दिया, आधे लोग का नाम मालूम है इसमें, आधे लोग का नाम भी नहीं है। मेरे बर्थडे को काफ़ी टाइम हो गया, एक महीना हो गया पूरा, याद नहीं है। तो फिलहाल तो अभी मैं बना रही हूँ वीडियो मेरे बर्थडे के गिफ्ट का, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना है किसने क्या गिफ्ट दिया है। यूट्यूब चैनल का नाम है कुलसुम नायक 04। और जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो है ना, फोटो रखी हूँ वही फोटो यूट्यूब पे भी रखी हूँ लाल ड्रेस पे, ठीक है। और मेरा जितना भी आपको अपडेट मिलेगा अभी एक महीने का, जो पिछला मेरा बर्थडे का, बकरीद का, सबका, तो सब वीडियो आपको यूट्यूब पे पूरा देखने मिलेगा। क्योंकि मैं रील्स पे खाली गाने का वीडियो डालू छोटा छोटा, बाकी तो पूरा डिटेल मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। तो आप लोग यूट्यूब मेरा चैनल देखो। और एक महीने तक का तो जितना भी पूरा अपडेट था मेरा मेरे बर्थडे का, मेरे बर्थडे से बर्थडे के पहले से ही, तो पूरा मैं यूट्यूब चैनल पे डाली हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे जाओ, कुछ नायक 0 पर क्या करो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो। और मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है कुलसुम नायक 04, ठीक है। तो अभी मैं ये गिफ्ट खोल रही जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगा, ठीक है। बना दिए सब वीडियो, जितने लोगों का नाम लिखा है पढ़ के बताऊंगी, बाकी का मुझे नहीं पता किसने क्या दिया है। लेकिन सबका दिल से शुक्रिया। और बहुत से लोग ने मेरे बर्थडे में केक लाए थे, बुके लाए थे, बहुत सारी सब में पहला तो बहुत सारी दुआ दी है मुझे, विश करे इसके लिए सबका दिल से शुक्रिया। और जितने लोग ने गिफ्ट लाए उन लोगों का भी शुक्रिया। अभी मैं सबका खोल के बता रही हूँ गिफ्ट सब ने क्या क्या लेके आए थे। देखो जितने लोग का नाम याद है बताऊँगी, नहीं याद है भूल गई तो आप लोग मेरे को मैसेज करके बता देना ये गिफ्ट मैंने दिए थे करके। और ये गिफ्ट देखो, ये दो गिफ्ट और ये और केक ये लाए थे हमारे इस्माइल भाई ने, इस्माइल भाई ने भी केक वगैरह लाए थे सब। और ये इस्माइल भाई के हाथ से गिफ्ट भेजी है मल्लिका ने, मैं पढ़ी एल्ड क्रिएशन फ्रॉम मल्लिका। ये यहाँ से मुझे गिफ्ट आया है, हाँ देखो साफ दिख रहा है ना। और ये भेजे थे मल्लिका जी ने इस्माइल भाई के हाथ से। थैंक यू मल्लिका, इस माइंड में इनका कपड़े का लखनऊ का दुकान है ड्रेस का, मुझे जाना भी है, मुझे मैं जा नहीं पा रही हूँ लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन देखो इस्माइल भाई के हाथ से भेजे थे गिफ्ट, माशाल्लाह ये गिफ्ट भेजे है मल्लिका ने, हाँ जो कि उनका ये ड्रेस का भी है माइंड में। तो आप लोग भी जरूर जाना। और कितने प्यारे गिलास है देखो, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मल्लिका की भेजे है ना। ये इसका जग है और ये कितने प्यारे गिलास है। जजाक अल्लाह मल्लिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए, है ना। और सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है तुम्हारे जैसा, बोलो जैसे तुम प्यारे प्यारे ना वैसा प्यारा प्यारा गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये दो कप भेजे है हमारे बोनमोल केक वाले ने, केक भी भेजे थे और इतना अच्छा प्यारा गिफ्ट मिला। कुलसुम और क्या लिखे लाए, कुलसुम नायक बर्थडे और मेरे लाले का फोटो। जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। दो कप यार, एक भी नहीं। और देखो ये शबनम बटन, ये लाले के अभी गिफ्ट है बर्थडे का गिफ्ट भेज दिए देखो, है ना कितना प्यारा है। तो ये जाएगा लाले को, हसीना पार्कर, हसीना पार्कर ने। और ये हमारी फैमिली मेंबर है हसीना, जैसे कि हमारी फैमिली में एक ये भी हसीना हमारे खुद में खड़ी रहती है और बहुत अच्छी है और डेरिंग बाजी बहुत है। और इसने भी मेरे लिए गिफ्ट लगाई है, सबने बेचारे ने मेरे बर्थडे तक नहीं मिला था कि मैं खोलूँ डब्बे देखूँ क्या लिए क्या नहीं। तो माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेस लगी देखो, और ये भी ड्रेस काफ़ी महंगा है। थैंक यू हसीना, इतना प्यारा इतना अच्छा गिफ्ट ला दूँगा। और भी एक छोड़ के दो दो गिफ्ट लाई हुई मेरी फैमिली देखो, वाह ये तो कुर्ती है देखो कितनी प्यारी कुर्ती है, ये भी बहुत प्यारी प्यारी कुर्ती है और लखनवी कुर्ती है एकदम नहीं कुर्ती है माशाल्लाह। उसको पसंद मालूम है ना कि मेरे को नाइटी ज़्यादा पसंद है और ये बहुत महंगी वाली नाइटी लगी उसने।
इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है, इसको खोलूंगी नहीं अभी मैं, ठीक है। अभी इसको फिर मेरे को रील्स पर भी सब एक वीडियो बना के डालना है। और ये पर्स किसने लाया है पता नहीं, मुझे ज़रूर बताना आप लोग, या तो मेरे वीडियो में तो आया रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है पर्स कहाँ से आया है। और काफ़ी ये भी महंगे वाला पर्स है, कौन सी कंपनी का उन्हें मालूम है, एल के है ना, एल के कंपनी का है ना। और बहुत पर्स बहुत ये भी बहुत अच्छा है, जजाक अल्लाह। ये तो मैं शायद रील्स पर डाली किसने लाया, लेकिन सबका गिफ्ट खोली नहीं थी, तो मुझे भी बताना कि ये मेरे को किसने दिया था, है ना। वो आई है साड़ी, ये साड़ी लाई है मैंने नीतू, जो मेरे बर्थडे में दूसरे दिन आई थी नीतू, थैंक यू नीतू, जजाक अल्लाह इतनी प्यारी साड़ी लाने के लिए। हाँ इतनी प्यारी है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है। देखो नीतू भी है, पार्लर वाली है, आप लोग पहचानते होंगे, जो मैंने मेरे रील्स पर डाली उसने कितनी प्यारी साड़ी लाई है, तो उसकी जैसी प्यारी प्यारी, थैंक यू बहन, जजाक अल्लाह। देखो जिसका मेरे को मालूम है मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, ले सुन ने। और ये ड्रेस मुझे कौशर आपा ने कि शरीन आपा ने दी, लाले की बहन लोग ने पता नहीं, लेकिन लाले की दोनों में से एक बहन ने ड्रेस लाई ले। और ये भी वेलवेट का ड्रेस है, हाँ माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। देखो तो ये ड्रेस आया लाले की बहन की तरफ से, शरीन आपा की कौशर आपा ने दिए पता नहीं, हाँ इन्हें भी होता है अच्छे से। ये ड्रेस दिए दिलावर भाई ने, दिलावर भाई मतलब हमारे छोटे भाई, लाले के भी छोटे भाई है और मेरे भी भाई, ये दिलावर भाई ने दिए, थैंक यू दिलावर भाई और जोया, इतना प्यारा ड्रेस दिए ना, ये देखो बहुत प्यारा ड्रेस है, मैंने दिए दिलावर भाई ने, जो लाले के सगे भाई है, हम लोग के छोटे भाई है दिलावर भाई, थैंक यू दिलावर भाई। देश कदम ने वीडियो बना के डाली इंस्टाग्राम पे, फराना भाभी ने लाए थे ये ड्रेस, हाँ इतना प्यारा ड्रेस है। कहाँ से आया था मैया? जबलपुर एमपी, जबलपुर एमपी से आया था ये मेरे भाई सिकंदर के, मेरे भाई ने जिसको भेज माना है सिकंदर ने, ये वो लोग भेजे थे, तो ये भी इसमें कुछ लेटर भी लिख लाए। बिल्कुल इस मारीना का भी ड्रेस है, सलाम किए और होप आप बहुत अच्छे होंगे, पुप्पो की तरफ से बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको खूब कामयाब करे, पुप्पो की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। हाँ ये अलीना को भी भेजिए कपड़ा, और ये मेरा लेटर है, बहुत बड़े बड़े लेटर है फिलहाल, तो ये देख सकते हो इसमें ढेर सारी दुआ भी आ रहेगी, तो ये मैं पुस्तक से पढ़ूंगी, और इसमें भी कुछ कपड़े भेजिए जबलपुर से, हाँ ये पठानी का है तो कपड़ा, ये भी कलर इतना प्यारा है। और ये है घड़ी, कितनी प्यारी घड़ी है। और ये है ड्रेस, और ये आए जबलपुर से, जो कि मेरे भाई सिकंदर की पहचान में है, उन्होंने जबलपुर से मुझे भेजे कपड़ा, कितना प्यारा कितना सॉफ्ट कपड़ा है, हाँ बहुत मस्त कपड़ा है ये भी। लिफाफा ये भी है ड्रेस, ये मेरी बहन की लड़की, मेरे भाई की लड़की को है अलीना को, हमारे जजाक अल्लाह कि आपने मुझे लाले को और मेरी बच्ची अलीना के लिए भी कपड़ा भेजे, इतना प्यारा ड्रेस भेजे गया, और ये भी काफ़ी महंगा ड्रेस लग रहा है, क्योंकि इंसान कपड़ा देखने से ही समझ में आ जाता है ना ये उसका दुपट्टा, तो जजाक अल्लाह तुमने जबलपुर से इतना प्यारा इतना अच्छा कपड़ा भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबे रह के जबलपुर रह के भी आप लोगों ने मुझे याद करें, बहुत बहुत जजाक अल्लाह, है ना। जबलपुर से मुझे कपड़ा भेजे, क्या नाम है? नेहा मंसूरी, नेहा मंसूरी, जजाक अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जबलपुर से मुझे कपड़ा भेजे मेरे भाई के थ्रू, मेरे को लाले को मेरे भाई को भी घड़ी भेजे, मेरे भाई की लड़की को अलीना को भी कपड़ा भेजे सिकंदर के थ्रू, तो बहुत बहुत जजाक अल्लाह, इंशाल्लाह कभी जबलपुर आए तो हम लोग जरूर मिलेंगे नेहा मंसूरी की तरफ से, हम लोग को आया था सब गिफ्ट, इंदौर से आया कपड़ा तो ज़रूर ये कोई मेरी केजीएन महिला मंडल ने लाई रहेगी मुझे, तो मुझे पता नहीं केजीएन महिला मंडल किसने लाया है मुझे कपड़ा, ज़रूर बताना। और ये कपड़ा भी काफ़ी महंगा और मस्त एकदम, बहुत प्यारा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखो, तो ये मेरी छोकरी लोग ने किसने गिफ्ट दिया रहेगा,
क्योंकि यहाँ का ही है ना इंदौर। हाँ मीरा रोड, मीरा रोड का। तो ये मेरी केजीएन महिला मंडल ने लाई रहेगी। तो जजाक अल्लाह मेरे बच्चे लोग, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे और ऐसे मुझे अच्छा अच्छा गिफ्ट देने के लिए। तो उसने लाया है क्या मालूम, ये भी कहाँ अच्छा है पता नहीं मुझे भी। तो ये भी किसने भेजा है पता नहीं, ये भी मुझे गिफ्ट बताना। ये भी कितना प्यारा, एकदम प्यारा वाला पोर्स है क्या, इसमें पूरे देखो मोती के काम है, इसमें मसल्ली का मसल्ली बोलेंगे ना, पूरे सल्ली और डायमंड के काम है इसमें, और बहुत प्यारा ये भी पोर्स है। तो ये भी किसने लाया मुझे ज़रूर बताना हाँ प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं व्यवहार में एकदम पक्की हूँ, है ना। तो जैसा इंसान मुझे देगा मुझे भी उससे अच्छा देना ही है। ये भी मेरा वैशाली मार्केट, और ये साड़ी भी मुझे गिफ्ट आई है। ये भी किसने लाया है वो भी नहीं पता मुझे, वो भी बताना कि ये साड़ी भी किसने लाया है। ये भी बहुत प्यारी साड़ी, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखो, तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये साड़ी किसने लाया है, और ये सब मेरे बर्थडे में मेरे को जो प्यार करते हैं ना वो लोग ने लाए थे सब, इतना अच्छा अच्छा और मेरे देखते आप लोग तो देखेंगे मेरे बर्थडे में केक भी कितना सारा लाए थे मेरे घर वाले लोग, है ना। अन्नू ने कितना बड़ा केक लाया था, इतना बड़ा गिफ्ट लाया था, उसमें मोगो मोगो था, आम था, केक ये लोग ने खाना लाले ने तो खाना भी रखे थे, कितना केक मंगाए थे, काली ने केक मंगाए थे। और ये भी मेरे को केजीएन महिला मंडल ने लाई रहेगी, इंदौर का ये ना है। हाँ ये देखो, ये भी इंदौर का है, ये पठानी के कपड़े है। तो प्लीज़ ये भी किसने लाया मुझे बताना मेरी छोकरी लोग। ये सब मुझे गिफ्ट आया, और ये भी पठानी, इसमें एक नंबर लगेगी हाँ, तो इसका मैं सिलाऊंगी पठानी, क्योंकि मेरी छोकरी लोग भी लाए गए। ये भी मुझे गिफ्ट आया, एक गिफ्ट दिया है अराफत ने हाँ, हमारे अराफत ने नसीमा मासी ने दिए गिफ्ट, कितना प्यारा ड्रेस है देखो ये भी। थैंक यू अराफत, नसीमा मासी, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे हाँ। और ये भी गिफ्ट आया है, ये साड़ी दी है मुझे सोनल ने, ये वाली हमारी जो चुलबुली सोनल है ना, उसके जैसी एकदम प्यारी प्यारी साड़ी लग रही है देखो। और माशाल्लाह ये फंक्शन में पहन के जाने के लायक की साड़ी है, बहुत प्यारी है, उसका कलर भी बहुत प्यारा है देखो। थैंक यू सोनल, और हमारी चुलबुली सोनल है, उसका भी बर्थडे है, तो मुझे उसका भी केक काटना है, अभी घर पे बुला केक काटूंगी। एक्चुअली उसके बर्थडे में हम लोग गए थे, किधर गए थे, अकोला, अकोला। और बहुत प्यारी साड़ी, और बहुत इसका कलर भी बहुत प्यारा है हाँ, अब पहनूंगी तो मस्त एकदम वैरायटी है। गुलाबी इसमें भी वीडियो बनाऊंगी, गुलाबी साड़ी है, वैसे भी सोनल का फेवरेट गाना है ना, फेवरेट गाना है सोनल का ही हमारे यहाँ। तो थैंक यू सोनल, वो कितने लाए मुझे नहीं पता। और ये भी कॉटन का बहुत प्यारा ड्रेस है, और इसमें भी पूरा ये काम करा हुआ है मोती का, ये भी कॉटन का बहुत प्यारा ड्रेस है, कलर भी बहुत प्यारा है। आफरीदी ने लाया था, ए मैं सलमान ने क्या, ये है मेरे बेटे आफरीदी का गिफ्ट, मेरे बेटे ने भी मुझे गिफ्ट लाया है। बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए ले, माँ के गिफ्ट दे रहे हैं, और इसने भी साड़ी कितनी प्यारी लाई है, बहुत प्यारी साड़ी लाई है मेरे बेटे ने आफरीदी ने, अफवाह बुला रहे, बहुत ही प्यारा है ये साड़ी का भी। ये बुला रहे अप्पो, और ये मेरे बेटे ये आफरीदी ने लाया ना साड़ी, साड़ी तो सब अच्छे अच्छे आई थे एक से, और ये भी साड़ी बहुत भारी में की लाया है आपको तुमने, ऐसे ही मेरे को बच्चों से गिफ्ट मिलेगा तो मैं कितनी खुश होगी, बहुत प्यारी साड़ी लाया है, और बहुत प्यारा कलर दिया, ये बच्चे लोग का गिफ्ट दिया अम्मी तो पूछे बोले सलमान ने मेरा गिफ्ट लाया था, वो बेटे ने भी देखो ना कितना प्यारा प्यारा ड्रेस लाया है, कलर भी देखो चुन चुन के लाए है यार, वो दुपट्टा भी लाए साथ में, इतना प्यारा सब में दुपट्टा है, बाप रे
यानी बच्चे लोग बड़े बड़े उपयोग आखिर में हो गए ले। हाँ ये देखो इतना प्यारा ड्रेस लाया है, ये मेरे सलमान का भी, और एक छोड़ के तीन तीन ड्रेस लाया है मेरे को बताओ। इधर तो देख, और ये सलमान, आप लोग सोचते रहेंगे सलमान कहाँ से पैसा लाया है, इतना बड़ा महीना है। तो जो सलमान को सब रमजान में जो ईदी आई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसको 10 से 15 हजार रुपये ईदी आई थी मेरी बेटी सलमान को। सोफी को भी 25-30 हजार रुपये ईदी आई थी। तो ये मेरे बेटे ने ईद का पैसा सब जमा करा था। हाँ तो ये सब उसी ईदी के पैसे से इतना प्यारा प्यारा मेरे बेटे ने ड्रेस लाया है। चलो क्या फॉलोवर्स लोग बहुत पंचाती थे रेडीमेड है। अरे बाप रे बाप, इतना प्यारा देखो लाए लाए, इसकी सलवार भी देखो कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर अल्लाह मेरा बेटा जिंदगी भर ऐसे ही मेरे को प्यार करते हैं यार। औरत आने का दिन तो सब बच्चे भूल जाते, सब बच्चे लोग ही माँ बाप को भूल जाते, चाहे औरत आने दो चाहे आदमी आने दो, कोई माँ बाप को याद नहीं रखता है। वो लोग के लिए औरत बहुत कुछ हो जाती है, फिर वो लोग के आदमी बहुत कुछ हो जाते हैं, और जो माँ बाप पैदा कर इतने साल वो लोग को रखे घंटा, वो लोग कुछ नहीं होते है ना, वो लोग ऐसा दूध में मक्खी के साथ निकाल के फेंक देते, कोई बात नहीं। वो लोग के भी बच्चे लोग आएंगे, वो लोग के भी बच्चे होंगे, तब एहसास होगा है ना। कभी मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा सलमान मेरे को जिंदगी भर ऐसे हथेली पे रखे, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है ना सलमान। तो अच्छा अच्छा डिजाइनर पीस भी लाए, ये रेडीमेड है, सिलेला पूरा है, ठीक है ना। सब अच्छे अच्छे मेरे बेटे ने ड्रेस लाए है, पसंद उसकी है, तो सलमान की पसंद है। इसका भी दुपट्टा कितना प्यारा है, ये सब मेरे बच्चे की पसंद। अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी दिमाग दे कि वो किसी के भड़कावे पे ना आवे और उसकी माँ को समझे। देखो इतना प्यारा ड्रेस है, और एक गिफ्ट बाकी है बोलता है, सस्पेंड है। अरे बाबू यार, पूरा तो मेरे पीछे लुटाने वाला है। बहुत प्यारा ड्रेस लाया है यार, मच्छी का रखना लेता। हाँ पहले इसका प्लान था कि मेरे को मच्छी बहुत पसंद है, तो इतनी बड़ी मच्छी की थाली बना के मंगाने को। हाँ लेकिन फिलहाल वो कैंसिल करके मेरे बेटे ने मुझे ड्रेस लाया, और लेके जाएगा होटल में खाना खिलाने के लिए। हाँ बेटे ने अच्छा अच्छा ड्रेस लाया है, तो कलर तो ऐसे ही सब खिलते हुए कलर लाए है। हाँ उसको बहुत जल्दी में सिला के पहनूंगी, कि मेरे बेटे और बेटे तीनों भी साथ में। और जैसे कि आप लोगों ने देखे, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे सलमान ने मेरे अप्पो ने हम लोग को लाए गिफ्ट। और बच्चे लोग का गिफ्ट बहुत अनमोल रहता है ना, छोटा सा गिफ्ट रहता है लेकिन बहुत दिल के करीब रहता है, क्योंकि बच्चे लोग का गिफ्ट रहता है ना। हम गाँव में गिफ्ट देते हैं, हमको कोई गिफ्ट मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है, बच्चे लोग से गिफ्ट मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये मुझे ड्रेस लाए हमारे कौसर अपन, जो हमारे हमरा वाले नदीम भाई की बहन है। हाँ ये कौसर अपन भी इतना हेवी ड्रेस लाए थे, बेचारे इतना मुझे फोर्स कर रहे थे कि बड्डे वाले दिन पहनो, कुल से मापा तैयार हो, लेकिन मुझे पता नहीं मेरे बर्थडे वाले दिन क्या होता है, मैं बहुत अपसेट रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बर्थडे बनाना, लेकिन फिर भी सबकी चाहत है मोहब्बत है। लाले लोग ने, लोग ने, सब ने, बच्चे लोग ने सब प्लान करके करे बर्थडे, वो बहुत अच्छा लगा। सब में जाते बर्थडे करने में तो लाले की मेहनत थी है ना। और ये इतना अच्छा कौशल अपन ने ड्रेस लाए थे ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, उससे खड़े होकर बता जरा, इसको पहन के मस्त एकदम मेरे जैसे तैयार होगी, फिर पहन के जाऊंगी। देखो मैंने क्वीन पे कपड़ा लगाया भी, और ये जो कि ऊपर अलग से है। हां और बहुत प्यारा ड्रेस है ये, देख देखो पीछे घुमा, ठीक है इसको जो कि, और ये कुछ अलग ही ड्रेस है। और ये कौशल अपन ने लाए हैं मुझे ड्रेस इस जगह से, साहिली ब्यूटी, साहिली ब्यूटी, और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस मिलता है, ड्रेस मटेरियल है। आप लोग एक बार जाना, जरूर विजिट करना, यहाँ पे हेवी रेंज में भी है, जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा, और बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस मिलते हैं। तो जैसा अल्लाह कौशल आपा, इसमें से मोबाइल नंबर भी आप लोग पूछ सकते फोन करके भी, ये एड्रेस भी ऐसा है ना, ये एड्रेस है ना, खाली मीरा डिश दिया हुआ। हाँ तो फोन करके पूछ लेना, और यहाँ पे सब इतने महंगे महंगे और हेवी हेवी ड्रेस ही मिलते हैं। तो मेरी बहन कौशल अपन इतना प्यार से लाई, तो इसको मैं एकदम मस्त प्यार से तैयार होंगी ना, तभी वीडियो बनाऊंगी, प्यार वाला, प्यार वाली बहन के लिए प्यार वाला। कौशल आपा है नदीम भाई की बहन, और फातो ने भी बेचारी ने ये पसंद कर लिया कि हमारी फातो ने, हाँ कि हमारी फातो भी बहुत मोहब्बत की बच्ची है एकदम, उसमें उसके दिल में भी बहुत मोहब्बत है,
और हमारे जैसे हमजा है, हमजा से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। हमजा मेरे सलमान से प्यार करता है ज्यादा, भाई भाई बड़ा भाई बड़ा भाई करके, और वो दो बच्चा एकदम प्यारा है, लव यू। और ये गिफ्ट आया है एक ऐसा, और ये मुझे गिफ्ट आया जैसे मैं हर बार केक मंगाती हूँ नजीक से। ये देखो, ये हर बार मैं क्या लिख लिया, ये द केक पैराडाइज। हाँ, द केक पैराडाइज राइट से। मैं हर बार मेरा जितना फंक्शन का केक रहता है यहाँ से आता है, और ये हमारी लुबना ने भेजी है ना। थैंक यू लुबना, मेरा बच्चा, जजाक अल्लाह। और लुबना ने केक भी भेजी थी, फेमी लापा ना लुबना के अम्मी है, तो उन्होंने भी मुझे गिफ्ट भेजे है। यहाँ से मेरा हर बार केक आता है, खाली फोन कर दो जैसा केक चाहिए वैसा पहुँच जाता है। भी कितना प्यारा वर्षा जी की बेगे, माशाल्लाह कितनी प्यारी है छोटी। ये वर्षा जी की बेगे बहुत प्यारी बेगिया। थैंक यू लुबना, जजाक अल्लाह। ऐसे पैकिंग भी कितना प्यारा है, बहुत मास्टर है। और ये हमारी भेजी है बेटी ने, लुबना ने, यानी फेमी दापा उसके अम्मी का नाम है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर सब लोग लुबना नाम से जानेंगे क्योंकि वहाँ से ही मुझे केक आता है। और कितना प्यारा देखो पर्स, छोटा सी का एकदम मस्त, फटाफट किधर भी ले गया। मुझे छोटे छोटे पर्स ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ये पर्स आया एक वो पर्स आया, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये सब चीज़ें। ड्रेस तो जैसा कि मैं बताई थी अभी कि हमारे वासी में हमने वापस वाले में भेजे थे, और ये थे ये तो मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया है, तो ये भी बता दूँ मैं कहाँ से आया है। कहाँ से आई है ये, क्या लिख रहा है? अली फकर। अली फकर कहाँ पर ही है? भारत, हाँ, भारत नगर है ना। हाँ, भारत नगर। ये अली फकर से मुझे ये कोलैबोरेशन के लिए आया था, कम से कम उसको डेढ़ से दो महीना हो गया रहेगा ड्रेस को। मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे कोई ड्रेस भी आया है कोलैबोरेशन के लिए, तो ये भी ड्रेस मैं आप लोगों को बता ही दूँ कि क्या आया था। ठीक है, इसमें लेटर भी है जो मेरे ये इंस्टाग्राम के आईडी पे मैं पढ़ के बताऊंगी। और ये ड्रेस भी कोर्स सेट है शायद, बहुत प्यारा है। तो देखो, क्योंकि मुझे अब इंस्टाग्राम के आईडी पे वीडियो बना के डालना है, इसके लिए मैं ये इंस्टाग्राम पे ले रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी ड्रेस मुझे दोनों आया कोला ड्रेस है। देखो प्यारा वाइट वाला ड्रेस है। थैंक यू अली फकर। और ये मैं बांद्रा भारत नगर से आया है मुझे, जो कि मैं इंस्टाग्राम के आईडी पे इसका वीडियो बनाऊंगी और इसकी आईडी मेंशन करूंगी मैं। ठीक है, तो आप लोगों को उसके भी आईडी में बता ही दूँ। तो यहाँ से आया मुझे, देखो है ना, पहले बना दिया। हाँ, ये तो बेटर, ये जरा पढ़ो मेरे को पास चाहिए, इसको सब अच्छे से रख रही हूँ। पहला के मैं अली फकर ड्रेस कलेक्शन से आफरीन हूँ। मैं बहुत वक्त से आपसे मेरा प्रमोशन करवाना चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था। थैंक्स फॉर रुखसाना बाजी, जिनके वजह से ये पॉसिबल हुआ। आपकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद और आपका स्टाइल भी माशाल्लाह। आपा, मैं चाहती हूँ कि मेरे बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, आपकी आईडी से कोलैब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे दुआ दीजिएगा कि आप लोगों के जरिए से मैं भी इंशाल्लाह तरक्की करूँ और इंशाल्लाह आपकी भी आईडी पर मिलियंस में फॉलोवर्स हो जाए जल्दी ही इंशाल्लाह। सजा कला इतना अच्छे लेटर लिखने के लिए, याली फकर के यहाँ से मुझे जो ड्रेस आया है मैंने बताया कोलैबोरेशन के लिए, इतना अच्छा लेटर लिख के भेजे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी आईडी कोलैब करूँगी। दुआ करूँगी कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग आगे बढ़ना भी चाहिए, है ना। और जो कहाँ से मुझे वो ड्रेस आया था, उन्होंने भी, नेहा मंसूरी ने बहुत अच्छे अच्छे लेटर भी लिख के भेजे, तो जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना हम लोग मुझे दुआ देने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, इतने इतने अच्छे जितने लोग ने मेरे बर्थडे का गिफ्ट लेके आए सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने लोग ने केक, तो आप लोग देख लेंगे, मतलब मेरे बर्थडे में लगातार 4-5 दिन से मैं केक काटती थी। बर्थडे वाले दिन तो मैंने इतना केक काटी हूँ पूछो मत, लेकिन वो केक मैंने फालतू नहीं जाने दी। जितने लोग आए थे सबको भेजी, जितने गरीब लोग रोड पे रहे थे उन लोग को केक भेज दी। और लाले ने तो खाना भी इतना ज़्यादा बना दिए थे, दाल घोसोई बकरे का, तो इतने लोग आके खाना खा के गए, सब लेके भी गए। और फिर जो खाना बचा था तो जितने लोग थे मैंने सबको, जो गरीब लोग रहे थे उन लोग को बांट दी, है ना। वैसा करना भी चाहिए। और सब लोग ने मेरा दिल से बर्थडे मनाया, मेरे बच्चे लोग, लाले, कालू, सब बच्चे लोग को, मेरे घर वाले को, सबको थैंक यू। और
और जितने लोग गिफ्ट लाए, केक लाए, बुके लाए, दुआ दिए, बिना बुलाया मैं बर्थडे में किसी को नहीं बुलाई थी, जिसकी मोहब्बत थी बर्थडे में सब आए मेरी खुशी में। मालूम ही नहीं था अभी तो मैं क्या बोल रही है। पहली बार मेरी मम्मी को मालूम ही नहीं था क्या कि मम्मी का सरप्राइज करना ले। थोड़ा बहुत तो कैमरे में से देखे ना क्या तुमने? थोड़ा बहुत तो देखी थी, लेकिन ये लोग ने जो सरप्राइज रखे थे मेरे को इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा सरप्राइज रखेंगे। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा भी लगा मुझे, है ना। लेकिन मैं बर्थडे में वाले दिन अजमेर जाती हूँ ना मेरे सरकार के, तो मुझे वो सब में ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो दुआ करती हूँ मरते दम तक जब जब मेरा बर्थडे आए मैं सरकार के इधर जाऊँ, शुक्र अदा करूँ कि जो मेरा इतने साल बीते मेरे सरकार ने, गरीब नवाज ने और हमारे अल्लाह ने, परवरदिगार ने मेरे हर साल इतना अच्छे से, ये जितना साल गया अच्छे से गया, और आने वाला जो हर मेरा मतलब जिंदा हूँ जितने दिन, मौत का तो कुछ भरोसा नहीं है, अभी जिंदा हूँ पता नहीं सुबह रहूँगी नहीं रहूँगी, तो जितना भी दिन जीऊँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। वो शुक्र अदा करने के लिए मैं गरीब नवाज में जाती हूँ कि जैसे भी जिस हाल में रखे मेरे गरीब नवाज का, अल्लाह का बहुत बहुत लाखों करोड़ों एहसान है मेरे पे, है ना। तो बिग बॉस का शुक्र अदा करना जाना पड़ता है ना, इनसे दुआ करेंगे तो ये सरकार अपनी दुआ अल्लाह तक पहुँचाएंगे, है ना। हमारे से जल्दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वली अल्लाह की सुनता है, इसके लिए मैं हर साल इधर जाती हूँ। और मुझे इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे सब गिफ्ट आए हैं, अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ फिर सब, ठीक है। चलो थोड़ा देर मैंने मैं सब सेट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ वापस से अच्छे से। तो मेरे बर्थडे वाले दिन खाना रखे, इतना सब सरप्राइज ये वो रखे, और लाले ने अंगूठी भी दिए थे मुझे, हाँ, और एक कान का भी दिए जिसका पेज घूम गया है मेरे से, सड़ेली घूम गया तो घूम गया, देखो कैसा बोल रही मुझे, अभी मेरी अम्मी का पेज ही घूमता है, अब घूम गया तो घूम गया, है ना। तो कान का और अंगूठी ये मुझे लाले ने गिफ्ट दिए थे, है ना। और अभी कपड़े वाले आई है, और अभी लाले ने मुझे मैक्सी लाई, ये भी लाई, क्या इसको बोलते हैं कप्तान, कप्तान भी लाए हैं, ये भी कप्तान, हम मम्मी ने लिखे किसके लिए, हम के लिए, इन दोनों कप्तान अभी लाले ने भी लाए हैं, है ना। और भी गिफ्ट है किधर किधर और किसने किसने दिया है मुझे वो भी नहीं याद है। इतना प्यारा परफ्यूम है ना, ये ऐसी खुशबू तो माशाल्लाह है, एक दुबई का परफ्यूम, और बहुत प्यारा ये। थैंक यू सेनाज, फिलहाल तो मिस यू सेनाज क्योंकि तुम दुबई में हो अभी, और हमारा सुल्तान भी दुबई में है, तो ये इतना प्यारा गिफ्ट लाए थे हमारे सेनज ने, है ना। और लाले का कान का है वो भी बाद में बताऊंगी, अभी वो उसका पेच लगाने दी हूँ, तो ये सोने का पेच था वो घूम गया पता नहीं कहाँ गया, वो ये लाले के तरफ से था, इतना प्यारा गिफ्ट हमारे सेनज के तरफ से था। और देखो जैसे कि ये पूरा गिफ्ट नजीक से एकदम नजीक नजीक से ले जूम करके, तो ये एक हाई सा ले, तो ये इतने सारे सब गिफ्ट, ये देखो ये घड़ी भी, हाँ ये जबलपुर से आई है, ये भी ये देखो ये लाले और मेरा कप इतना अच्छा, ये और ये रेडीमेड ड्रेस साड़ी ये सब दो नाइटी पे आई, लव यू इसके हसीना पारकर, हाँ सही लिए सब इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट आया ना मुझे, साड़ी तो तीन तीन चार चार साड़ी आई है, साड़ी भी सब इतनी अच्छी साड़ी आई है कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे बेटे सलमान ने, मेरे अप्पो ने, सब ने इतने अच्छे अच्छे मुझे कपड़े लेके आए ना कि पूछो मत, और शायद मैं पहले ये कपड़े खोलती तो मैं पहले भी पहन लेती। प्यारी प्यारी पर्स आई हाँ, दोनों भी महंगी महंगी पर्स है, और दोनों भी बहुत प्यारे प्यारे पर्स है। इतना गिफ्ट आया मुझे, ये सब गिफ्ट भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ जज़ाक अल्लाह, तुम लोग का ऐसी नमाजे, और बोलते हैं ना जिसकी खुशी में सब खुश होते हैं ना, तो वो उससे अल्लाह भी राजी होता है, भले किसी के सुख दुख में पहले ही खड़े होना चाहिए। और मैं आप लोगों को पता है मैं तो किसी में भी पहले खड़े हो जाती हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं किधर नहीं जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की शादी बोलो, और तुम लोग तो मेरा सब वीडियो देखते ही है, पर मेरे जान पहचान में नहीं भी रहेगा मैं उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हमको इस लाइफ बनाया, हम किसके लिए खड़े रहेंगे तो हमारे लिए कोई खड़े भी रहेगा, है ना।
और बहुत से लोग मेरे लिए बर्थडे में, कितने लोग आए थे, कितने लोग वीडियो में नहीं आते इसलिए लोग का नहीं ली थी, लेकिन बहुत से लोग आए थे मेरे बर्थडे में और बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने लोग ने मुझे दुआ दिए, इतने लोग ने मेरा स्टेटस रखे, वीडियो डाले मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सब पे, व्हाट्सअप पे, सब पे इतने दुआ दिए मुझे, इतने लोग ने विश करे, सबका जजाक अल्लाह, सब ने एक से एक वीडियो बना के डाले था। मैं स्टेटस रख रख के थक गई थी, इतना मेरे को क्या बोलते वो पसंद आ रहा था। और वो स्टोरी क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो जाती, मतलब कि मतलब घड़ी डालते रहो ऐसा ना, और नहीं करे इतने लोग ने मुझे ना, आधे लोग का तो मैं रख भी नहीं पाई क्योंकि मुझे इतना समझ में भी नहीं आता कैसा रखने का। अगर कोई साथ में रहता था तो बोलती थी भाई जरा ये मेंशन करके रख दो, नहीं तो मुझे तो आता नहीं है मेंशन करना ये हो। जिसका अगर नहीं रखी हो तो माफ़ी चाहती, कोई बात नहीं, आपने तो दिल से मेरी स्टोरी रखे थे, मुझे दुआ दिए थे, तो बहुत बहुत जजाक अल्लाह। ठीक है, वाले को एडवांस में बर्थडे के लिए स्माइल भाई के हाथ से भेजे थे बोन बोन केक की तरफ से, तो ये मैं आपका गिफ्ट पठान को भेज रही हूँ, जो सब में पहला पठान को बर्थडे गिफ्ट आया है। हाँ ये देखो बोन बोन की तरफ से, तो ये लाले का बर्थडे का गिफ्ट है, जो कि लाले का बर्थडे है अभी 6 तारीख को, 6 क्या बोलते हैं उसको, 6 जुलाई, अभी अभी जो महीना आएगा क्या बोलते, जुलाई 6 जुलाई को लाले का बर्थडे, तो वो पहले से गिफ्ट आ गया था मेरे बर्थडे वाले दिन ही, तो मैं अभी लाले के घर पे भेज रही हूँ। ठीक है, तो आपका गिफ्ट लाले तक पहुँच गया समझो, है ना। देखो ये एक साड़ी, ये एक साड़ी, ये आई, एक साड़ी ये आई है और एक साड़ी आई है, 4 साड़ी आई मुझे बर्थडे में गिफ्ट में। और ये तो रेडीमेड ड्रेस मेरे बेटे ने, सलमान ने लाया, 2 कच्चे कपड़े लाया, और ये कोको सेट, ये सब रेडीमेड है, ये सब सिलाने के। और पठानी तो फिलहाल पहले सिलाने डाल दूँगी मैं, पठानी तो आई लव पठानी। ठीक है, मुझे आजकल क्या ज़्यादा पठानी पसंद आ रही है ना, पठानी पे कुछ अलग लुक दिखता है और ये भी बहुत प्यारे थे, इसे तो भी सोच रही सिलाने डाली दूँ, लेकिन कबाट में रखने जगह नहीं है कपड़े, तो क्या करूँ सिला के। अब नए नए ड्रेस कितने नए नए उठा के सबको दूँ, बहुत सारे ड्रेस है लाइक जब उठी और गिफ्ट इधर उधर पड़े हैं, किधर पता नहीं, ये भी गिफ्ट निकाल के दी, ये गिफ्ट मुझे भेजी है समा रजा ने, और मेरे घर में कुछ भी काम काज रहे तो समय पहले आता है समा रजा का गिफ्ट। हाँ थैंक यू बेन समा रजा, थैंक यू हैप्पी बर्थडे। समा रजा ने भी मेरे बर्थडे से पहले से गिफ्ट दे दिए थे, समा रजा का गिफ्ट पहले ही आ जाता है मुझे, तो अभी मेरे बेटे इरफान ने बताया कि ये क्या गिफ्ट है, उसको कैसा लगाया जाता है, तो मैं आप लोगों को खोल के बता दी कि मुझे समा रजा ने इतना प्यारा गिफ्ट भेजे। हाँ तो समा रजा तो हमारे लिए पूरे बाहर आए थे, तो मोगू इतना सारा लेके आए थे, लाले को करेले का पेपर जो कि हम लोग अजमेर में खा लिए थे रास्ते में, ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ अभी सही दिखा, सही बात है, इसमें पेपर चिपका था जो कि मुझे लगा कि इसके अंदर ही आ जाए, इसी वही तो हम लोग सोचे कि उल्टा क्यों दिख रहा है, और माशाल्लाह देखो हमारी जिंदगी खाजा गरीब नवाज। तो भी मेरा बेटा इम्मू ने लगा लिया इसमें, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, इसको सीधा लगाने का इम्मू टेढ़ा है, देखो ये बहुत अनमोल गिफ्ट है ना मेरे सरकार, हमारी जिंदगी। थैंक यू समा रजा, इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए बहुत बहुत जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्यारा गिफ्ट तुमने भेजा। ये देखो और ये गिफ्ट लगेगा मेरे बेडरूम में, है ना, कि रात में सिर्फ मैं मेरे गरीब नवाज को देखते रहूं, इतना प्यारा गिफ्ट भेजे ले बना के। हाँ जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, समा रजा को पसंद बताया कि मुझे ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ना, क्योंकि ये सब मेरे सरकार के नाम से जो जुड़ा रहता है, मेरे सरकार से जुड़ा रहता है ना, वो गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये दिल के करीब है। थैंक यू बहन, जजाक अल्लाह, सब में अनमोल गिफ्ट, कीमती तोहफा है ना, जजाक अल्लाह बहन, अल्लाह तुमको ऐसी नवाजे, और हर बार हम लोग अजमेर में मिलने आते हैं, उधर भी कुछ ना कुछ कुछ ना भी लेके आते हैं। हाँ वो तो बस हमारा प्यार मोहब्बत ऐसी बने रहे, हमारी बहन लोग का रिश्ता ऐसी बना रहे। लव यू KGN महिला मंडल ग्रुप, क्योंकि महिला मंडल ग्रुप भी आके मेरे बर्थडे में माशाल्लाह बहुत अच्छा सेलिब्रेट करे, लेकिन सब लोग को थोड़ा डर था कि नहीं लाले का दिमाग थोड़ा गर्म है, इसके लिए बेचारे थोड़े वो हो गए थे, लेकिन कोई आए मेरी फ्रेंड लोग इंजॉय करे,
बहुत अच्छा लगा। हाँ सबका दिल से केजीएन मेला मंडप सबका दिल से शुक्रिया, मेरी फैमिली वाले लोग का भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ और गिफ्ट था जो अनुभव बना के लाया था वो तो दूसरे दिन इतना बड़ा गिफ्ट है, जैसे वीडियो में देखे रहेंगे कि उसमें मोगो मोगो इतना सारा, क्योंकि पता है कि मुझे मोगो मोगो पसंद है, तो हर एक किस्म का वेराइटी का मोगो मोगो उसमें लाया था अनुभव बना के, उसमें आम थे, बहुत प्यारा गिफ्ट था वो, बहुत अच्छा बेहतरीन, इतना बड़ा केक भी बना के लाए थे, लाया था अनु ने, जो मेरी बहन सबों का आदमी है ना, तो बहुत अच्छा गिफ्ट लाया था उसने भी। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़। मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, है ना, और बहुत जल्द आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत जल्द, छोटा मोटा सरप्राइज़ है लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा वो सरप्राइज़, और इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ देख के दुआ देंगे, है ना।